वाहिद बख्श सईदी साहिब राई मौला का ये उर्स मुबारक है और उनका तआरुफ मस्जिद और मदरसा है। और मस्जिद और मदरसा आका व मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मफहूम हदीस पेश कर रहा हूँ। एक छोटे से परिंदे का इशारा किया, जैसे ये दो उंगलियों का मैंने इशारा किया हुआ है। हमारे पंजाबी में कहते हैं आलना, यानी उसका घोंसला। तो फरमाया कि जिसने इतनी भी मस्जिद बनाई अल्लाह की रिज़ा के लिए, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में मकान बनाता है। दूसरी हदीस मफहूमन पेश कर रहा हूँ। मस्जिद नबवी अला साहिबा सलातु वस्सलाम की तौसी की ज़रूरत थी, उसे खुला करने की। वक्त ने पलटा खाया है, पहले नमाजी बढ़ते थे और मस्जिद को बड़ा करना पड़ता था, अब मस्जिदें बड़ी बनाई जाती हैं और नमाजियों को ढूंढना पड़ता है। मस्जिदें मरसी यखा हैं कि नमाजी न रहे, यानी वो साहिब औसाफ हिजाजी न रहे। तो मस्जिद नबी शरीफ को वसी करना था अला साहिब सलातु वसलाम, तो उसके बाजू में एक अंसारी साहबी रदी अल्लाह तआला अन्हु का मकान था। हुजूर अकदस अलैहि सलातु व तस्लीम ने फरमाया कि क्या तू अपना ये मकान जन्नत के मकान के बदले में मस्जिद को देता है। देखें, मैं समुंदरी में बैठकर कहरोड पक्का के किसी गांव या शहर की दुकान या प्लाट का सौदा दो सूरतों में कर सकता हूं। या तो वो दुकान मकान प्लाट मेरे नाम रजिस्टर हो, या उसका मुख्तार आम मेरे पास हो। मदीना में बैठकर जन्नत के मकान का सौदा अल्लाह के महबूब कर रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि हुजूर के हाथ में क्या है जो हुजूर के हाथ में नहीं है। तो फरमाया जन्नत के मकान के बदले में, बस आप बैठिएगा जी, आप बस तवज्जो से सुनेंगे, बस 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 ठीक है, मैं चंद मिनट सिर्फ आपसे बात कर सकता हूँ। और ये चंद मिनट भी ज़रूरी नहीं है कि चंद मिनट ही हों, ये घंटों का मजमून है जो मैं आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ, आप बस तवज्जो के साथ सुने। उन साहिब ने अर्ज़ किया, हुज़ूर मेरे पास सर छुपाने की और कोई जगह नहीं है और जगह खरीदने का पैसा नहीं है। आका व मौला अलैहिस्सलाम ने ये नहीं फरमाया कि इसको मस्जिद से बाहर, इसको घर से बाहर निकालो और इसका घर गिरा के मस्जिद में दाखिल कर दो। हुजूर मालिक हैं, हुजूर जो चाहे फैसला करें। इससे मालूम हुआ कि हमारा दीन मस्जिद ही क्यों ना बनानी हो, हमारा दीन किसी के मकान पे कब्जे की इजाज़त नहीं देता, प्लाट पे कब्जे की इजाज़त नहीं देता। ये इस दीन का हुसन है, ये इस दीन की शान है। अब ये बात हजरत अमीरुल मोमिनीन सैयदना उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन रदी अल्लाह ताला अन्हों को मालूम हुई, चुनाचे उन्होंने हजारों रुपए में उस दौर के अंदर वो मकान खरीदा। और जरा ध्यान रहेगा, अगली डेट सतर पर बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज की मेरे करीम, क्या वो जन्नत के मकान की बात उसी से थी या कोई और भी लेकर मस्जिद को दे दे, तो सौदा उसके साथ भी वही है। मेरे आका व मौला अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो भी ले दे सौदा उसके साथ भी ये वही है। तो हजरत ज़ुन्नूरैन ने अर्ज किया का खरीद मैंने लिया है मकान, और जन्नत के मकान के बदले में मस्जिद नबवी को पेश कर रहा हूँ। हजरत उस्मान वो जन्नती है जिसने प्लाट खरीदा हुआ है जन्नत के अंदर। ये वक्त तो इस्तखारे का भी नहीं है कि आप इस्तखारा करके सुभान अल्लाह कह सकें, ये तो बिला वजह आपको भी तंग करना है और मैं तंगी का कायल नहीं हूँ। और खुराक उतनी होनी चाहिए जो हजम भी हो सके और जेर दंदान कुचली भी जा सके, मगर ना हलक में चीज़ें फंस जाएं तो फिर उसका फ़ायदा कोई नहीं होता। और हमारे मोहतरम मोहम्मद कामरान साहब ने अभी मेरे सामने कई बंदों को जगाया है,
तो फिर ये क्या कर सकते हैं। हाँ अलबत्ता इसलिए आपको जगाना जरूरी है कि मैंने भी घर जाना है और आपने भी घर जाना है। और एक सूफी बड़ी देर पहले जगा गया, उठ जाग कुराड़े मार नहीं, ये सौन तेनू दरकार नहीं, अगे मुश्किल पेंडा पारा है, एक अलिफ पढ़ो छुटकारा है। तो हजरत ज़ुन्नूरैन ने मस्जिद नबी शरीफ में वो मकान पेश किया। आप में से जितने हाजी मौजूद हैं, एक ये मस्जिद है, बड़ी खुशी हुई इतनी बड़ी मस्जिद देखकर, एक ये मस्जिद है या आपके इलाके में कोई भी मस्जिद है जहां आप फख्र से कहते हैं कि जगह फुला ने दी और सदा के लिए सदका जारिया हो गया। रियाजुल जन्ना में नफल पढ़ने वालों, रियाजुल जन्ना की जगह वो है जो ज़ुन्नूरैन ने खरीद कर मस्जिद नबवी अला साहिब सलात व सलाम में पेश की हुई है मस्जिद। आई को बात की समझ, बात की को समझ आई है मस्जिद। और ये मस्जिद कहलाती क्या है? अल्लाह का घर, अल्लाह का घर। ये नौजवान जितने बैठे हो, मैं उनको मुतवज्जे करना चाहूंगा, अब तो ये सोचे भी शायद ताके नसियान में भी कहीं नहीं सचती होगी, वो ये हैं, एक वो वक्त था कभी बड़े बुजुर्गों से पूछो, हदीस में भी फरमाया बड़ों के पास बैठा करो, बड़े बुजुर्गों के पास बैठकर मालूम करना। कभी वो वक्त था कि अगर किसी को कोई मुश्किल दिक्कत जरूरत होती तो वो उसके हाल के लिए मस्जिद में झाड़ू देता था और झाड़ू देने के बाद किबला रुख होकर दुआ करता था, मेहरबाना तेरे घर की नौकरी की है, करम फरमा मेरी मुश्किल को दूर कर दे। दुआएं भी कबूल होती थी, मुश्किलें भी दूर होती थी। और ये दौर मैंने देखा हुआ है कि मस्जिदों के कमरे, जैसे जैसे अजान का कमरा होता है वहां पर पीपे पड़े होते थे, मुसाफिर किसी ने सफर पे जाना तो माँ ने प्याली में सरसों का तेल डालकर उस बच्चे की उंगली लगवा देनी बीच में। ये हमारे यहाँ मस करने का रवाज है, बकरा जबा करना है तो कहते हैं हाथ लगाओ, मुर्गी देनी सबका तो हाथ लगाना जरूरी नहीं होता, नीयत काफी है। दो चीजें हैं, एक माल पाक हो, दूसरा नीयत पाक हो। इन्नल्लाह तय्यिबुल्ला युक्बलु इल्ला तय्यिब, अल्लाह पाक है और पाक के सिवा कुछ कबूल नहीं करता। सूफिया फरमाते हैं कि जो बंदा हराम चीज से सखावत करता है और वो कहता है कि मुझे अजर मिले, उसे समझ लेना चाहिए कि अगर कपड़ा नापाक हो तो वो पेशाब से धोने लग जाए तो गंदगी में इजाफा होगा, कपड़ा पाक नहीं होगा। अर्शों का मालिक फरमाता है मैं तुम्हारा मालिक हूं, मेरी बारगाह में देना है, आमदन भी पाक हो और नीयत भी पाक हो। सिर्फ इतना आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, कुछ समझ आ रही है बात की? समझ आ रही? अब हमारे यहाँ क्या हालात हो गए हैं कि झाड़ू देना तो दूर की बात है, झाड़ू देने के लिए इमाम जो है, इमाम की जिम्मेदारी है। आज मैं जब हम आपके इलाके के करीब पहुंचे थे, मौलाना गुलाम मुर्तज़ा साहब से कह रहा था, अजान इशा की अब आवाज आई, आपके बाहर रोड से गुजर रहा था, तो यकदम मेरे जहन में ख्याल है, मैंने कहा ये इमामत की ड्यूटी बड़ी मुश्किल है, सलाम इन आइमा मसाजिद को है, जो सर्दियां हो तो तब भी असलातु खैरु मिनन्नौम, आंधी और तूफान हो तो तब भी स्पीकरों से हैया अलस्सलाह, हैया अलफलाह की सदा उठती है, उसे बुखार भी चढ़ा हो तो वो मसल्ले पे फिर खड़ा होता है। लेकिन आइमा मसाजिद को इतना अर्ज करूंगा कि आप जिसके हुजूर झुकते हैं नजर उधर ही रखें, दुनिया वालों पे नजरें रखेंगे तो ये नजरें तकसीम होती रहती हैं, इनका कोई फायदा नहीं हासिल होता। तो मसाजिद ये बनाने तक की बात हुई, मसाजिद की जो तामीर है, यानी मैं आपको साहिब उर्स का बता रहा हूं कि हमारे यहां देखो बाबा साहब लंबे चौड़े बालों वाला हो तो तभी हम उसको बाबा मानते हैं, वगरना सारे बाबे मस्जिदों वाले ही थे। देखा ना, देखा ना, मस्जिद वाले बाबे का है तो आप चोपशाह हो गए, क्योंकि हमारे यहाँ चोपशाह ज्यादा चलते हैं, जबकि सैयद चुप नहीं होता, निर्जे पे भी बोलता है। आखिर में इकट्ठा नारा लगा दीजिएगा, बहुत ज्यादा टाइम, हमारा सफर भी है, और हजरत क़िबला मुफ्ती साहब आपके इलाके में एक इलम का समुंदर है, तो ये जानते हैं कि ये पढ़ने पढ़ाने के जो मामूलात होते हैं क्या होते हैं।
और आप भी जो बैठे हैं कम नहीं है, आप भी सारा दिन काम काज करके फिर यहाँ हैं, सुबह आप भी ड्यूटियों पर होंगे। अल्लाह करे हम में से किसी की फजर कजा ना हो। मसाजिद की जो तामीर है, सबसे पहले काबे को तामीर किया हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने, फिर इसकी तामीर नौ हुई है, यह तामीर जदीद आप इसे कह लीजिए, वो की हजरत इब्राहिम हजरत इस्माइल ने। ये वो अल्लाह का घर बन रहा था कि जिसमें ईंटें लगाने वाले रब के खलील थे और सामान उठा के ला के देने वाले हजरत इस्माइल थे। अगला महीना ज़िलक़ादा के बाद भी उन्हीं का आ रहा है। जब वो तामीर कर चुके तो वो जो दीवार के हमारे पंजाबी कहते हैं वार, वार हाथ की हदूद से ऊंची हो गए, तो अल्लाह ने जिब्रील को फरमाया पत्थर दे ला के दो इब्राहिम को अलैहिस्सलाम। एक रिवायत है वो जन्नत से पत्थर लाए, एक एक वहीं से लाए। हजरत खलील उस पत्थर पे खड़े हो गए। जब वो वार ऊंचे हो रहे थे तो साथ ही साथ पत्थर भी ऊंचा हो रहा था। उस पत्थर के सीने में खलील के कदमों के निशान सब्त हो गए। आज भी वो पत्थर सदियों बाद काबे के दरवाजे के सामने गोल्डन कलर की जाली के बीच में महफूज है, जिसे मकाम इब्राहिम कहा जाता है। मैं हैरान हूं 360 पत्थर निकाल दिए, ये पत्थर नहीं फेंका। और एक पत्थर और है जिसे हजरे अस्वद कहते हैं, वो भी नहीं फेंका। का पत्थर तो सारे फेंकने चाहिए थे, का नहीं, जिन पत्थरों को रब के दुश्मनों से निस्बत हो जाए वो पत्थर भी काबिले नफरत होते हैं, और जिन पत्थरों को रब के प्यारों से निस्बत हो जाए वो पत्थर काबिले एहतराम भी होते हैं, काबिले अदब भी होते हैं। नहीं समझ आती तो देखो पत्थर ही तो पड़ा है, और पत्थर में निशान भी किसका, हाथ का नहीं कदम का, कदम भी किसका, खलील का। यूं वहां जाके समझ आई कि लोग पूछते हैं कि कदमों में क्या रखा है, हम कहते हैं कि कदम किसे जड़े दे ओण, किसे जड़े दे ओण। और मेरा इमाम आला हजरत सीम उल बरकत हजूर के दरबार में कदमों में सर रख के अर्ज करते हैं, तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे, तेरे कदमों में जो है, देखें आप तकाबुल देखें, तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे, कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवा तेरा। तो वो काबे की तामीर की, और जब उसको बना चुके तो गोरे गोरे हाथ उठा के कहा रब्बाना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, इलाही से हमारी तरफ से कबूल कर, तू बेशक सुनने वाला और जानता है। इस दुआ में एक रमज है, और वक्त अगरचे रमज है आश्कार करने का नहीं है, लेकिन सबक सबक होता है। अब नहीं है तो शायद आप बाद में वीडियो वाले से वीडियो लेके देख लो, फिर समझ में आएगा क्या बात हुई है। अब तो आंखें चार का वक्त भी नहीं है, आंखें चार भी तो आंखों में आंखें डालकर होती हैं, ये तो वो वक्त भी नहीं है। रब्बाना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, ऐ हमारे पालने वाले इसे हमारी तरफ से कबूल कर। हजरत खलील ने दुआ मांगी, हजरत ज़बी ने आमीन कही है। इससे मालूम हुआ उन्होंने हमें एक सबक दिया है कि जे तुसी किसी नेक काम च पैसा ला लो, पसीना ला लो, खून भी दे लो, वक्त भी दे लवो, ते माण अपने पैसे खून ते वक्त ते नहीं करना, बल्कि हाथ चो के अर्ज ओनू करनी है कि जो मैं कीता है ए भी तू ही तौफीक अता फरमाई है, और अब अर्ज भी तेरे दरबार में है कि इसे कबूल कर ले। कोई समझ आई है, थोड़ी बहुत समझ आई है। अपने किए पे मान ना किया जाए, मौला कबूल कर ले। काबे के बाद जो दूसरी मस्जिद बनी है वो मस्जिद अक्सा है, मिनल मस्जिद हराम इलल मस्जिद अक्सा। दो मस्जिदों का इकट्ठा जिक्र ये 15वें पारे की पहली आयतों में। अक्सा, अक्सा का एक माना दूर वाली मस्जिद, इसको बनाया हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने। किसने? अब वो मस्जिद कंप्लीट नहीं हुई थी कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के विशाल का वक्त आ गया, तो आपने अपने साहबजादे सलेमान अलैहिस्सलाम से फरमाया बाकी मसीह तू पूरी करनी है। हाय हाय,
हम दाल दौड़ना में मसीह भी शुरू कर ले और मैंने जानबूझ कर की तुझी जेड़े कड़े चढ़े ते लंबे बाल ते चोगे मोगे और अजीब अजीब कामों पे खुद ही वलायत की संदे बांटते हो, अल्लाह दे घर वापस आ जाओ, आ जाओ वापस रब के घर में। किधर धक्के खा लिए, बहुत खा लिए, वापस आ जाना चाहिए। और यहाँ एक लुत्फ दे बात हजरात उलमा को सबक सुनाने के लिए, बाकी मेरा कोई क्लास फेलो बनना चाहे तो मेरे साथ तकरार कर ले। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने लोहे महफूज पे सूरतें दिखाई, अर्ज की मौला ये कौन है, बड़ा खूबसूरत है। फरमा तेरा बेटा दाऊद है। अर्ज की दाऊद की उम्र बड़ी थोड़ी है। फरमा हमने जितनी देनी थी दे दी, तू ज्यादा चाहता है तो अपनी उम्र में से दे दे। अर्ज की 60 साल, बार जगह 40 साल है। अर्ज की मेरे 60 साल भी दाऊद के खाते में डाल दे। फरमा डाल दिए। अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास मलकुल मौत आ गए, फरमा मेरे ते 60 साल रह देने। उन्होंने कहा जी नहीं, हम पूरे टाइम पर आए हैं। तो फरमा नहीं, मेरे तो भी बाकी उम्र है। अर्ज की इलाही ये पहले क्यों आ गए, फरमा प्यारे पहले नहीं आए, तूने 60 साल दिए नहीं अपने बेटे दाऊद को। अर्ज की मेरी तवज्जो उधर नहीं रही, मेरी तवज्जो उधर नहीं रही, अब मुझे तवज्जो हो गई है। तू कहा चल निकाल ले रूह, तू सही टाइम पे आया, 60 साल पहले नहीं आया। रब ने फिर मलकुल मौत को फरमाया आ जा वापस, आदम को भी और 60 साल रहने दे, दाऊद के खाते में भी 60। यही फर्क है नबी और गैर नबी में। सारी कौमें मिलकर किसी को 60 सेकंड नहीं दे सकती, बस ठीक है 60 सेकंड नहीं दे सकते। ये अल्लाह का नबी जो अपनी जिंदगी से 60 साल देते, और ये हजरत आदम है और सबसे औला वाला हमारा नबी। समझाई बात की, चंद मिनट चल सकते हैं आप? अच्छा, मेरी तरफ से मिन्नत अल्लाह कोई नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि आप बस जान छोड़े और हम भी निकले। समझा गई है, ये तो महफिल वाले नाजिल हुए हैं हम पे, हम इन पे नाजिल नहीं हुए, ये तो हम पे नाजिल हो गए। अल्लाह अकबर कबीरा। और ये वैसे भी इस खित्ते में तोड़ मुल्तान तक का है, तो एक जलसा हमारी डायरी में होता है, बाकी सब फजा में जलसे जलसे होते हैं। ये इस खित्ते का है, वो इधर से खींचते हैं, इधर से खींचते हैं। तो बंदे को दाम दरूद करके घर से निकलना चाहिए जब इस पट्टी पे आए, कि न जाने राह में कहां जलसा आ जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। अब हजरत दाऊद अली इस्लाम का विशाल आप देख लो, अल्लाह के नबियों के दिलों में मस्जिदों का ख्याल। हाय हाय, सुन्नी मस्जिद पे सुभान अल्लाह बहुत कम कहते हैं। बाबा बूटी शाह का दरबार, कुकड़ शाह का दरबार होते हाल हाल उन्हें सुभान अल्लाह। अब अगर सलेमान अली इस्लाम ने तामीर शुरू करा दी मस्जिद अक्सा की, उनके विशाल का वक्त भी करीब आ गया। गौर कीजिएगा, सरकार सलमान इस्लाम ने कहा मौला मेरे बाप की तमन्ना थी कि मस्जिद पूरी हो जाए, वक्त आ गया तो मैं जिन्नात को कह देता हूं वो बाकी मस्जिद बनाए, लेकिन मेरी अर्ज है कि मैं एक शीशे के बक्स में असा लेकर खड़ा हो जाता हूं, स्टिक लेकर, तो उस हालत में फरिश्ते को कह के मेरी रूह कब्ज कर ले। मैं ऐसे खड़ा होऊंगा, यानी मैं आपको करके नहीं बता रहा, ये तो मैंने वैसे स्टिक पकड़ ली है, मेरी क्या औकात के मैं नबियों की। मैं ऐसे खड़ा हो जाऊंगा कि उनको देख रहा हूं, उस हाल में मेरी रूह कब्ज हो जाए, ताकि वो ये समझे कि रब का नबी खड़ा देख रहा है, इधर तेरे वादे भी पूरे हो जाए और मेरा अपने बाप से किया वादा भी पूरा हो जाए। कोई मर जाए जमीन पे गिरता है, रब के नबी की रूह कब्ज हो जाए, रब का नबी खड़ा है। ये हजरत सुलेमान का आलम है, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। जिन्नात काम कर रहे हैं, हजरत सुलेमान देख रहे हैं अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इससे मालूम हुआ जिन्नात के पास गैब का इलम नहीं है। ये जो लोगों मर्दों औरतों पे कहते दादा साहब की सवारी आ गई, गौस पाक की सवारी आ गई, मौला अली को शर्म करनी चाहिए। मर्दों औरतों में गौस पाक आएंगे, दादा साहब आएंगे, मौला मुर्तजा आएंगे, शर्म करनी चाहिए।
ये जिन्नात होते हैं और इन ये जिन्नात का एक शोभा है जिनको अपने इर्द गिर्द रश पसंद होता है। तो ये दोंग हमारे यहाँ खड़े हो जाते शाह जी, अच्छा हर एक मुआ पर शाह जी आ खड़े, और 80% तो हमारे बनाए से शाह जी बने हुए हैं। सखी बड़े हो आप लोग, दयालु हो, शाह जी उनका कन्फर्म है। ओके, इश्तिहार में लिख दिया तो बोले इश्तिहारी सैयद, ना मेरे नाम के साथ बड़ी जगह पे लिखा, क्योंकि मेरे नाम के साथ पीर लिख देते ना तो वो कह मैं जिससे पीर के सैयद होना जरूरी है, तो मुझे मैं तो वहां जहां भी कहा मैंने कहा मैं सैयदों का गुलाम हूं, और जिस बंदे को सैयदों की गुलामी पे नाज नहीं और वो झूठा सैयद बने उससे बड़ा बदबख्त कोई नहीं है। हम रजवी हैं और हमारे सिलसिले का शेर है, दो जहां में खादिमे आले रसूलुल्लाह कर हजरत आले रसूल मुख्तदा के वास्ते, शाह आले रसूल आला के मुर्शिद हैं, हमारे मशाखे तरीकत में से। तो वो तो मैं आपको कह रहा हूँ हमारी बीबियां जाती हैं वो चूड़ा चुमार भी दम दरूद वाला हो, शाह जी 100 साहब ला के वो भी पक्का हो जाते हैं। तो वो फिर पूछते हैं जी मुझ पे किसने किया कैसे किया, हम एक नए धोखे में मुबतला हो जाते। बचो इन बातों से, सवाल क्या पूछ रहे हो, गैब का, और गैब का इलम जिन्नात के पास है, फिर क्या होगा झूठ बोलेंगे। सास गई है तो कंफर्म शक लेकर आएगी कि मेरे बहू ने मुझ पे कुछ कर दिया, बहू जाएगी तो वो ये सोच लेकर आएगी कि मेरी सास ने कुछ कर दिया। आला हज़रत फरमाते हैं फतावा रज़विया में ये सवाल ही हराम है, ये पूछना वजह किसका ताल्लुक गैब के साथ है। कोई लकीरें शकीरें भी मार कर बद, वो फिर आगे सियाणे आपसे ज्यादा सियाणे होते हैं। हाँ तू चंगा हो गया टाइम नाल आ गया, तवीजा की म्याद मुक चली है, सवेरे तो तेरा रगड़ा निकल जाना सी, मतलब वो सवेरे जरा निकलना हूं निकलेगा, लाओ काला बकरा रेडी हो दोगे। ये काले बकरे काले कपड़े काले मां दे दे के जो रुलना है, तो किसी यतीम की परवरिश करो तुम्हारे करीब भी दुख नहीं आएगा। जिंदा है कि नहीं है, ये नींद भी मौत की बहन होती, मैंने इसलिए पूछा है। किसी यतीम की परवरिश करो। एक साहब दरबार में आए, हजूर दिल में सख्ती पाता हूं, फरमा यतीम के सर पे हाथ फेरा कर दिल की सख्ती दूर हो जाएगी, समझ गए। और ऊपर से ये ज्वाला मिलते हैं जो कहते हैं सब सीरी छत पे फेंक दो, अंडा छत पे फेंक दो, साबत माश कब्रस्तान में फेंक दो, मुर्गा चुराहे पे, क्या बेवकूफी है। इस्लाम ने सदका भूखे को खिलाने, नंगे को पहनाने, प्यासे को पिलाने के लिए रखा है, गलियों चौकों चौराहों में फेंकने के लिए नहीं रखा। लेकिन आप तो हमारे हालत ही बड़ी अजीब है। खैर जनाब कहां तक जाएंगे, ये तो हर बात ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, कौन सा मौजू छोड़ा जाए कौन सा छेड़ा जाए कोई समझ नहीं आती। हजरत दाऊद सुलेमान अलैहिस्सलाम देखते रहे जब मस्जिद कंप्लीट हो गई तो उनके असा को दीमक लगा और वो असा टूट गया, और सरकारे सुलेमान का वजूद जमीन पे तशरीफ ले आया। जिन्नात को फिर समझ में आई कि हजरत सुलेमान विसाल कर चुके, वजूद सलामत रहा, रंग नहीं बदला, तगैयुर नहीं आया, जिस्म नहीं बदला, ये अल्लाह के नबियों के वजूद की शान है। तो ये दूसरी मस्जिद थी मस्जिदुल हराम, उसमें एक नमाज पढ़ो 1,00,000 का नमाज का सवाब। और ये जो अब मस्जिद का जिक्र किया अक्सा, इसके लिए हदीस में फरमा एक नमाज पढ़ो अल्लाह 10,000 नमाज का सवाब देगा, 10,000 नमाज का सवाब। आप तो सुभान अल्लाह कह के जन्नत में जाने वाले लोग हैं, 10,000 नमाज का क्या सवाब होता है, ये कोई सवाब है जिस पे आप सुभान अल्लाह कहेंगे, 10,000 नमाज का सवाब। बाज पाक बीबियों ने अर्ज किया हजूर हम में से तो हर कोई मस्जिद अक्सा नहीं जा सकता, सुनना मेरे सरकार ने क्या फरमाया, फरमाया वहां जो कंदीले हैं ना जिनमें चिराग जलते हैं, उन चिरागों जो खुद नहीं जा सकता वो वहां चिरागों के लिए तेल भेज दिया। क्या बात, चिरागों के लिए तेल भेज दिया करे, ये मस्जिद है। और मस्जिद नबी में सबसे पहले कंदीले आवाज आवेजा की है मुरादे रसूल करीम सैयदना उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला ने माह रमजान में, मौला मुर्तजा शेरे खुदा मुश्किल कुशा करम अल्लाह ताला वजल करीम मस्जिद नबी में आए और उन्होंने मस्जिद को रोशन देखा, तो पूछा ये किसने हमारी मस्जिद को रोशन किया है, कहा हजरत फारूक आजम ने कंदीले लगवाई हैं।
मौला मुर्तजा ने कहा अल्लाह उमर की कब्र को भी ऐसे रोशन करे जिस तरह उन्होंने हमारी मस्जिद को रोशन किया है। और तीसरी मस्जिद, और यही हमारे इख्तितामी कलाम की तरफ इशारा है, वो सरकार अलैहिस्सलाम ने जो बनाई, पहली कुबा है, दूसरी मस्जिद नबी है। हजूर मस्जिद की तामीर में खुद शरीक हुए, सरकार साहबा के साथ खुद पत्थर उठा के लाते, साहबा से कहते हजूर 80 नौकर का दे लेंगे, तो फरमाया तुसी मेरे नालों को ताकत चबोते हो, मुझे भी सवाब चाहिए। ये जरूर अपने गुलामों को तरगीब दे रहे हैं जिनका नाम लेना सवाब हो। और ये दुरूद क्या है? दुरूद क्या है? ये हुजूर का नाम लेना ही है ना, समझा रही है ना। और ये दुर्र मुख्तार के हवाले से सदरु शरिया ने बारे शरीयत में हदीस कोड की है, जो एक बार दुरूद पढ़े और वो दुरूद कबूलियत के दर्जे को पहुंच जाए तो अल्लाह उस एक बार मकबूले बारगाह दुरूद पढ़ने वाले के 80 साल के गुनाह माफ फरमा देता है। वो गुलामों को तरगीब दी। आगे समझ आ गई? अब एक हदीस सुनना। फरमाया जो मस्जिद की सफाई करे उसकी लाश गले सड़ेगी नहीं। बाबे वाहिद बख्श का ज़हन में रख के बोलना, अगर समझ आएंगे कि नहीं आएंगे। क्या? जो मस्जिद की सफाई करे, झाड़ू वगैरह करे, उसकी लाश गले और सड़ेगी नहीं। तो जो मस्जिद में झाड़ू करे ये उसका हाल है, तो जो मस्जिद को आबाद करे। और मेरी रिक्वेस्ट है सब हजरात से, बंदा ओ साहिब ओ मोहताज ओ गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। इंतजामिया इंतजाम के लिए होती है, कोई फर्द भी इमाम से लेकर मुख्तदी तक वेद इंतजामिया, कोई फर्द भी मस्जिद का मालिक नहीं होता, मालिक अल्लाह रब्बुल इज्जत। लिहाजा वो अमीर हो या गरीब, हाकिम हो या महकूम, और वो जिम्मेदार हो या उसके खेत खलिहान में काम करने वाला, दोनों के लिए मस्जिद की सफाई सआदत है, बरकत है, अजमत की बात है। इसे कभी नीच काम ना समझना। अगर ना समझ में आए तो सिर्फ आयत का तर्जुमा सौखे लफ्जों में कर रहा हूं। फरमा असा इब्राहिम ते इस्माइल को लो वादा लिया कि वो साडे घर नू पाक रखन, तवाफ आलिया लई, रुकू आलिया लई ते इतकाफ आलिया लई। मुफस्सरीन ने कहा यह कि अंताहिरा बैती, ये क्या कि मेरे घर को पाक रखें, का जाले लगे हों तो उतारें, रोशनी का इंतजाम करें, मस्जिद को खुशबूदार रखें। ये ऐद किससे लिया? इब्राहिम पाक से। अंदाजा करो कितने शर्म की बात है, कितने बड़े शर्म की बात है। लिहाजा मस्जिदों से दूर न जाओ। हदीस में है मोमिन मस्जिद में ऐसे होता है जैसे मछली पानी में। अब एक हदीस के लफ्ज़ सुनोगे, बस सुनना है, तो ऊंची ऊंची बोलने की कोई दावत नहीं है। फरमा कयामत वाले दिन कहा जाएगा रब दे गवांडी खुलो जाओ। ये गवांडी भी हमारी पंजाबी चलती है ना, ये समझते हैं रब के पड़ोसी खड़े हो जाए। अस्की साहबा पाक ने हजूर को रब का पड़ोसी भी होता है फरमा, जो उसकी मस्जिदों को आबाद रखते हैं, बैठे जिक्र अज़कार तिलावत, वो रब के पड़ोसी। तो कब बनोगे रब के पड़ोसी? शेख शादी के महल्ले में मकान खाली हुआ तो लोग आए कि किराए पर चाहिए, तो वो घर वाला उसका रेट ज्यादा बताता था। वो जो भी होने का तेरा कारण अनोखा है, मसलन किराया 10 रुपए बनता है, वो कहता है 90 रुपए मांग रहा है, तो कर तेरा घर अनोखा है। उन्हें कहा जिसे लब दे ले लो, मैं कड़ा थोड़े तल्ले कट दें कि मेरा ही मकान किराए पर लगो। उन्हें कहा तू किराया ज्यादा क्यों मांगता है? अल्लाह करे कि मैं ये जुमला सुना ही रहा हूँ इस वक्त आप समझ सके तो बड़ी अच्छी बात होगी। उन्होंने कहा मियां इस मकान के गवांड में शेख सादी रहता है, मैं ताए का किराया बहुत मांगा। जिसे 10 रुपए किराए का लगता है सादी भी तो कोई नहीं। ओ मसीता आबाद करो, रब के गवांडी बनो। और इख्तिताम पर आ गया मैं ये अर्ज करना चाहता हूं, अल्लाह ताला के दरबार में जो हाजिरी है नमाज की सूरत में इस मस्जिद के अंदर, इस मस्जिद से मुराद में इशारा यही मस्जिद की तरफ नहीं, आप मुख्तलिफ देहातों से भी आए होंगे और मोहल्लों से आए होंगे। अल्लाह के दरबार की मस्जिद की जो हाजिरी है ये अगर हमें नसीब नहीं होती तो हजरत जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह, क़िबला मुफ्ती साहब की नज़र,
और हमारे मोहतरम मोहम्मद कामरान साहब ये मुअद्दब भी मोहब्बत वाले भी और अच्छी गुफ्तगू वाले नकीब हैं, तो अल्लाह ताला सलामत रखे। मैं आज इनको सुन रहा था तो मेरा दिल कर रहा, मैं उनको कहूँ जी आप तकरीर किया करें, छोड़े नकाबत को, जुमा पढ़ाएं। अभी तक बात माशाल्लाह, आप जिस तरह आप अपने वालिदे गिरामी का तज़किरा कर रहे थे तो आगे बढ़ना चाहिए, अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरत लबो लहजा बख्शा है। तो मैं आपको वैसे तहदी से नेमत के तौर पे कह रहा हूँ कि बहुत सारे नकीबों को मैंने खिताबत पे लगाया हुआ है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे खुशी होती जब आज उनको मैं खिताबत की दुनिया में देखता हूँ। अल्लाह मजीद बरकत दे, ये ड्यूटी भी खूब ड्यूटी है, तो सुनिएगा अगर इस वक्त में मैं समझाने में कामयाब हो जाऊँ, वगरना पहुँचा तो रहा हूँ, यही कामयाबी है। बाबे रूमी ने एक तसव्वुर दिया है, बस वो तसव्वुर ले लीजिए मस्जिद में बैठे बैठे, और आज अगर इसी घर में फिर आने की नियत हो जाए सबकी, क्या ही बात है। बाबे रूमी ने तसव्वुर ये दिया, वो कहते हैं अगर तू मस्जिद में नहीं ना आता नमाज के लिए तो फिर सुकून से ना बैठ। उन्होंने कहा क्यों? उन्होंने कहा वजह ये है कि फिरौन के सामने कभी दर्द नहीं हुई, फिरौन का पता है उसके सर में कभी दर्द नहीं हुआ। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को कहा था यदि सिर च भी पीड़ ना होए, कहा मौला ये जमीन पर बैठकर दावे करता है मैं रब हूं, जुल्म जबर हर चीज सूलते दुनिया भर की है, फरमाया ये नाजों का पाला है। गौर से सुनिएगा, बाकी जितनी सुन चुके इसके बाद जो चंद सतरे होंगी वो सब भूल जाना, ये ना भूलना। कहा ये नाजों में पला है, इसको अगर सर में भी दर्द हुआ ना तो ये सह नहीं सकेगा, और ये उस दर्द में कहीं मेरा नाम ना ले, मैं नहीं चाहता कि इसकी जबान पर मेरा नाम आए। कोई बात नहीं, मैं नहीं चाहता कि इसकी जबान पर मेरा नाम आए, ये फिरता रहे मौज में। आप क्या समझते हैं सिर्फ नोटों की भरमार ही हाजा मिन फजल रब्बी है? ला, असल फजल रब्बी ये है पेशानियों को झुकने की तौफीक मिल जाए, जबान उसके जिक्र से तर हो, वजूद उसकी फरमा बरदारी में सरशार हो जाए। तो बाबे रूमी व दीगर सूफिया ने कहा अगर तू नमाज के वक्त मस्जिद में नहीं आता तो ओदे बूए ते आके टकरा मार, दुआइयां दे, कूका मार, चांदरा मार ते फरियादा कर, मालिक वही मेरे को गलती है। और हमारी सबसे बड़ी गलती यह है कि जब हम ये कहते हैं कि पता नहीं कौन सी गलती हो गई, है गलती, गौर किया कि नहीं किया? बाबा बीबी राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैहा, वो उनकी इबादत का सुरूर छिन गया तो सजदे में कहती माल का हो ही मेरे तो गलती है, पर मैं नहीं पता केड़ी हुई है, मैं दस ते सही, मेरी इबादत का नूर भी खुस गया है, सुरूर भी खुस गया है। तो उनको फिर ये बात इल्का की गई कि आप अपनी कमीज मुबारक सी रही थीं और बादशाह के सिपाही मशले लेकर गुजरे तो आपने चंद टाके उस गैर की रोशनी में डाले हैं, ये भी क्यों डाले हैं? बीबी ने वो सारी सीन उधेड़ दी, फिर अब नमाज पढ़ी है तो सुकून वाला कनेक्शन फिर बहाल हो गया। क्या करें, आई समझ के नहीं आई है। तो कहा अगर यहां नहीं आता तो फिर उधर बुए तो टकरा मार, कहा मालिक हुई गलती है, मेरी पेशानी तेरे दरबार में ना झुके, मौला पीछे रहा तो कुछ नहीं है, इसलिए सुकून से नहीं बैठना चाहिए, सुकून से नहीं। ये होगी मस्जिद के हवाले से बात। मैं भी बुजुर्गों से जो बातें कर रहा था, मैं अमूमन महफिल में साथ दाएं बाएं बात नहीं करता, मैं इनसे मालूमात ले रहा था, मुझे भाई ने बताया कि माशाल्लाह साहिब और उसके साहबजादे, तो मैं यही पूछ रहा था, पता चला यहाँ मदरसा भी है, को 150 के करीब बच्चे भी पढ़ते हैं। एक बात मदरसे की, और वो उसके लिए मैं आपसे कोई भीख नहीं मांगूंगा कि मुझे टाइम दे, वो मैंने आपको बात सुनानी सुनानी है, मैं मदरसे वाला हूं, सुभान अल्लाह, सिर्फ एक बात कर लोगे तवज्जो तो अच्छे रहोगे, सुभान अल्लाह, नहीं करोगे तो फिर भी हम सुना रहे हैं, सुभान अल्लाह। एक बात, अल्लामा सफूरी ने लिखा है रहमतुल्लाह अलैह, मुहद्दिस तबरी, चोटी का मुहद्दिस हुआ, फकीर भी है, मुफस्सिर भी है, मुअर्रिख भी है,
ये गए एक मुल्क में पढ़ने के लिए दीनी इलम। ध्यान रहना, ध्यान। सुभान अल्लाह। हमारे यहां क्लासों में बच्चे सोए तो हम कहते खड़े हो जाओ ताकि वो थोड़ा नींद के जोंके खत्म। आपको तो ये भी नहीं कह सकते क्योंकि थोड़े नहीं है, वो तो एक दो होता है तो उसको कह देते खड़े हो जाओ। तो हम सारे हम कौन आके पांच के रह जाएंगे। अच्छा, तो वो कहते हैं कि जब हम वहां उस मुल्क में पढ़ने के लिए गए तो उन्हें क्या कि दाखला तो लग जाएगा, रोटी रोटी कोई नहीं। ये सदियों पुराने मुहदीस की बात बता रहा हूं, कल परसों की नहीं, सदियों पुराना। तलबा ने जो इनके साथ एक दो स्टूडेंट थे उन्होंने कहा चलो जितना खर्चा साथ लाए हैं वो बाजार से कुछ चीज वगैरह लेते रहेंगे। उस मदरसे जहां ये पढ़ने आए थे उसके साथ एक यहूदी की दुकान थी। दो चार दिन के बाद कहा हम जा रहे हैं, उसने कहा क्यों जा रहे हैं, उसने कहा ये माजरा है। वो कह रहे रोटी नहीं मिलेगी, हमारे पास पैसा नहीं है। उस यहूदी ने कहा तुम यूं करो मैं तुम्हारा खाता बना देता हूं, तुम अपने नबी का दीन पढ़ने आए हो तो ऐसे क्यों जाते हो, सब्जेक्ट कंप्लीट करो, अपनी तालीम को कंप्लीट करो और उसके बाद तुमसे हो सके तो मेहनत मजदूरी करके ये कैसे वैसे वो मेरे पैसे चुकता देना। इस एग्रीमेंट पे मौते से तबरी कहते हैं कि हम उस यहूदी के बकाले से चीज लेते रहे दुकान से। जब वो पढ़ाई कंप्लीट हुई तो हम उसके पास गए कि मियां हमारा खाता निकालो, बताओ कितना पैसा है हमारे जिम्मे, समझे। यहूदी ने कहा मैंने तुम्हारा खाता बनाया ही नहीं। ये जो दाने शाने देते हो, दाने ना दोगे तो गुनहगार होगे, उशर नहीं निकालोगे तो कुर्बानी की खाल मदरसे को देनी, उसका तो कढ़ाई गोश्त नहीं बनेगा, वो तो देनी देनी है। क्या समझे। जकात अगर मदरसों को देते हो तो रब का शुक्र अदा करो, रब ने जकात देने वाला बनाया है, लेने वाला नहीं बनाया। गाड़े हो जरा बोरा अपने खेत चो भर के दर्श निकाल दियो कि आप बोरा चुक के किसी के खेत च नहीं जाना पै गया। फर्क नहीं समझ में आया अभी भी, आपने गौर नहीं किया मैंने क्या कहा। बड़ा औखा पेंड है मियां, बड़ा औखा पेंड है। मालिक बचाए, मालिक बचा। उसने कहा मैंने तुम्हारा खाता बनाया ही नहीं है। उसने कहा क्यों नहीं बनाया, तो वो कहने लगा मैं अल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम का मानने वाला हूं, तुम अपने नबी को मानते हो, मैं तुम्हारे नबी पर ईमान तो नहीं लाया पर पढ़ने तो तुम उसका दीन आए हो। तो यार इड्डा भी मैं माड़ा कोई नहीं कि एक मजहब के बच्चे अपने नबी का दीन पढ़ना, मैं उन्होंने कुछ दिन शमा भी ना दे सका तो खाते चढ़ाई जावा, मैं दौड़ा खाता बनाया ही कोई। मशवरा करो बामी के सुभान अल्लाह कहना है कि नहीं कहना, मशवरा एक दूसरे से पूछो अच्छे तरीके से इस पर क्या होगा। मुहद्दिस तबरी कहते हैं कि कुछ अरसे बाद में हज को गया तो मैंने उसी यहूदी को काबे का तवाफ करते तो मैं उसे गौर से देख रहा था कि ये वही है जब मैं झुंझला रहा हूं कि यहूदी का यहां क्या काम है। तो मैं उसके करीब होता गया और फिर मेरे लब पे भी हल्की मुस्कान आई और उसके लब पे भी हल्की मुस्कुराहट आई। तो कहते मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं जो देख रहा हूं वही है, कहा वही है, मैं वही बकाले वाला दुकान वाला यहूदी हूं। का यहां कैसे, का उस दिन जब तुम आए हो मेरे पास और मैंने कहा तुम्हारा मैंने खाता नहीं बनाया, उसी रात हुजूर सैयदुल आलमीन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नसीब हुई। हुजूर मेरे ख्वाब में तशरीफ लाए और जो फरमाया उसका खुलासा मफहूम ये है कि तू साढ़े दीन के तालिब इल्मां दा खाता नहीं बनाया तो फिर तेरा नाम गैरां दे खाते बेच क्यों रह गया। हजूर ने मुझे कलमा पढ़ाया और अपना बनाया है, इसलिए तुम आज मुझे देख रहे हो, आज मैं यहूदी नहीं हूं, मैं मदीने वाले का गुलाम हूं, कभी का तवाफ कर रहा हूं। ये है दीनी तलबा। ओ भाई दीनी तालिब इलम की खिदमत कीजिए तो ये पाइए, अगर अपने बच्चे को दीनी तालिब इलम बना लो।
मैं अदर शाह इरम के उर्स से आया हूँ, मैं वहां ये लफ्ज कह के आया कि बूढ़े हो रहे हो, ब्लड प्रेशर के मरीज बन रहे हो, शुगर के मरीज बन रहे हो, डिप्रेशन के मर्ज में मुबतला हो गए हो, और सिर्फ तुम्हें साल बाद ये खबर मिलती है कि हूं मेरा मुंडा 11वीं च हो गया, 12वीं च हो गया, 14वीं च हो गया, और कभी उन्हें बिठा के ये भी पूछो तो मदीने वाले नाल भी ताल्लुक रह गया है कि कोई नहीं रह गया, पूछना चाहिए कहीं वो उस खाते में तो नहीं आ गया जो बाबे इकबाल ने जवाब शिकवा में कहा, वजा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद। ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद, वो मुअज्जज के जमाने में मुसलमान होकर और तुम खार हुए तारे के कुरान होकर, सिर्फ मस्जिद का मौलवी बनने, मिंबर का खतीब बनने और तरावी का मुसल्ला सुनाने के लिए मदरसे की तरीम नहीं है, जिंदगी के हर शोबे के लिए दीन की तालीम जरूरी। लिहाजा मैं नौजवानों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी दीनी उलूम की तरफ राखिब हों, अल्लाह ताला मस्जिद को मदरसे को आबाद रखे, पढ़ने पढ़ाने बनाने चलाने हेल्प करने वालों को बरकत दे। वमालिक सलाम शमाए बज़्मे हिदायत पे हो, सलाम शमाए बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साथ पे सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे ला हो, सलाम शमाए बज़्मे हिदायत पे लाखों, हम गरीब बेहद दुरूद, हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम फकीरों के सरवत पे सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शमाए बज़्मे या इलाही, सदकाए जिक्रे रसूल ये सलाम आजजाना हो कबूल, अपने हबीब का सदका हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, सदाओं से दरगुजर फरमा, नेक कामों की तौफीक दे, बुरे कामों से महफूज रख, हमारे मशाइख़ किराम के दर्जात बुलंद फरमा, हमारे माँ बाप पर रहम करम और फजल फरमा, तमाम मुसलमान मर्दों तमाम मुसलमान औरतों की बख्शिश फरमा, इलाही बीमारों को शिफा दे दे, बेकरारों को करार दे दे, बेरोज़गारों को रोज़गार दे दे, बे औलादों को नेक औलाद दे दे, मकरूज़ों को कर्ज़ों से निजात दे दे, हमारे दुखों को सुखों में बदल दे, हमारी मुश्किलात को दूर फरमा, इलाही हमारे ज़ाहिर व बातिन को नेक और एक कर दे, इलाही हमें बुरी मौत और कुफ्र व बदअक़ीदगी की मौत से बचा, खातिमा ईमान पर हो,
तमाम महफिल पाक जिक्र अज़कार का सवाब व अजर हजरत साहिब उर्स रहिमहुल्लाह को मरहमत फरमा, उनकी कब्र पर रहमतों का नुज़ूल फरमा, उनके सदक़ात जारिया के उमूर में मज़ीद तरक्की दे, इस मस्जिद को, इदारे को, पढ़ने पढ़ाने वालों को, इंतज़ाम करने वालों को दुनिया और आखरत की खैर दे, मदारस अहले सुन्नत, मसाजिद अहले सुन्नत को तरक्की दे और अवाम अहले सुन्नत को मस्जिद आबाद करने की तौफीक दे, मदारस आबाद करने की तौफीक दे, आलम इस्लाम की खैर, हमारे वतन अजीज पाकिस्तान की खैर, हमारे मुल्क पे रहम फरमा, इसे अदम इस्तेकाम से बचा, इसकी सरहदों की हिफाजत हो, सरहदों के मुहाफिजों की हिफाजत हो, इलाही इस वतन को निज़ाम मुस्तफ़ा का हुसन अता फरमा, इलाही खैर गर्दानी बहक शाह जीलानी, वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यदिना व नबीना मुहम्मद व आलिहि व सहबी।